माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। टिकी ऐप पर एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ चुका है न्यू क्रिएटर के लिए, जो कि टिकी ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं और डायरेक्ट उनको जो है ग्रे टिक मिल सकता है और उनको लाइव ऑप्शन मिल सकता है, जिससे कि उनको अकाउंट बनाते ही अर्निंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता, जो लोग न्यू यूजर टिकी पे ज्वाइन होते हैं उनको जो है सबसे पहले अपने अकाउंट पर जो है ग्रे टिक लेना होता है, उसके बाद जो उनको अर्निंग होना शुरू होता है या फिर लाइव ऑप्शन लेना होता है तब जो है उनको अर्निंग होना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर दिया टिकी ने कि इसका जो नया अपडेट है उसमें रेफरल प्रोग्राम जो है अप्लाई कर दिया है। तो रेफरल प्रोग्राम के थ्रू यदि आप ज्वाइन करते हो टिकी एप्लीकेशन को, तो वहां पे आपको डायरेक्ट जो है वेरिफिकेशन बैच दिया जाएगा ग्रेट टिक का, और उसके बाद जो है आप साथ ही साथ लाइव ऑप्शन भी ले सकते हो और दोनों से अर्निंग करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ग्रेट टिक मिल सकता है अभी गाइस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या नया अपडेट है, किस तरह से आपको जो है ग्रेट टिक मिलने वाला है गाइस और आपकी अर्निंग शुरू होने वाली है, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे गाइस। तो आपका कोई भी डाउट या सवाल रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो गाइस। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कौन सा डाउट या फिर कौन सा सवाल है गाइस, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि इसको जो है न्यू क्रिएटर से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि रेफरल प्रोग्राम से न्यू क्रिएटर जो टिकी एप्लीकेशन को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका पुराना अकाउंट है उनको यहाँ पे घर भी वेरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, जिनका हाल फिलहाल का बना हुआ अकाउंट है और उनके अकाउंट पे कुछ वीडियो भी अपलोड होनी चाहिए और वो वीडियो जो है टिकी के कैमरे से होनी चाहिए। तो कितनी वीडियो आपको अपलोड करनी है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म भी सबमिट करना होगा, रेफरल प्रोग्राम का फॉर्म, और उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद 7 डेज के बाद आपके अकाउंट पर वेरिफिकेशन बैच लगा दिया जाएगा। यदि आपके वीडियो सही रहती है और जो उसका रूल एंड कंडीशन है उसे यदि आपका अकाउंट फॉलो करता है, तब यहाँ पे आपके अकाउंट पे डायरेक्ट ग्रेट टिक का वेरिफिकेशन बैच दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके वीडियो पे स्टार सेंड करने का भी ऑप्शन शो करने लगेगा और आपके व्यूअर्स आपको स्टार सेंड कर सकते हैं, और स्टार सेंड होगा जब आपके वीडियोस पे तो आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा अपडेट है न्यू क्रिएटर्स के लिए, जो कि अभी टिकी एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया फिर अभी अपना नया अकाउंट बनाकर ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है गाइस जिसे आप सभी को फॉलो करना है तभी आपके अकाउंट पे वेरिफिकेशन बैच दिया जाएगा। तो क्या रूल्स है गाइस, तो हम आपको बता देते हैं। रूल नंबर 1 गाइस कि आपको जो है टिकी एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बना लेना है, और उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद 5 वीडियो अपलोड करनी है, वो भी 12 सेकंड से ऊपर का आपका वो वीडियो रहना चाहिए, मतलब कि एक वीडियो आपका 12 सेकंड से ऊपर का रहना चाहिए, तो 5वीं वीडियो आपकी 12 सेकंड से ऊपर की रहनी चाहिए। और मेन बात कि आपका वो वीडियो टिकी के कैमरे से शूट होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल से सेल्फी कैमरे से वो वीडियो शूट होनी चाहिए, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया गया है गाइस, ठीक है, टिकी टीम की तरफ से। तो आपको इसे फॉलो करना है गाइस, गैलरी से वीडियो अपलोड नहीं करना है, और 5 अच्छी वीडियो आपको बना के अपने अकाउंट पे अपलोड करना है, उसी वीडियो के आधार पे एंड आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर के आधार पे जो है आपको वेरिफिकेशन बैच दिया जाएगा गाइस, ठीक है। और साथ में यदि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है तो आप जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके फॉलोअर्स है, जैसे कि मोज हो गया, MS Takatok हो गया, जोश हो गया, या फिर जिल्ली एप्लीकेशन हो गया, या फिर यूट्यूब शॉर्ट चैनल पे आपके सब्सक्राइब है, तब पर भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। जिन लोगों का भी अदर शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे पहले से फॉलोअर्स है गाइस अच्छे खासे, जैसे कि यदि आप मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम है तो आपको इंस्टाग्राम पे कम से कम 10K फॉलोअर्स होने चाहिए, और यदि इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, फिर मोज जोश उस पर हो गया, तो उस पर 100K से प्लस होना चाहिए गाइस, ठीक है, तब आपके अकाउंट को डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेवी के लिए वेरीफाई किया जाएगा। बस किसी भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स होने चाहिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे 10K, अदर शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे 100K प्लस फॉलोअर्स होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, आपको 100% चांस है कि ग्रेवी वेरिफिकेशन दे दिया जाएगा। यदि आपके वीडियो की कैटेगरी सही रहती है, आपका वीडियो का कंटेंट सही रहता है, वहाँ पे 100% आपके अकाउंट पे ग्रेवी वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा गाइस शुरुआत में ही। नहीं तो मैं आपको बता दूं, यदि जिन लोगों को ग्रेवी वेरिफिकेशन लेना होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है ग्रेवी वेरिफिकेशन। लेकिन अभी टिकी ने जो है रेफरल प्रोग्राम वाला सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी सारे यूजर्स को बेनिफिट देगा डायरेक्ट उनको ग्रेवी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको व्यूज कंप्लीट करना होता है, रियलिटी क्रिएटर वेरिफिकेशन सबसे पहले लेना होता है, उसके बाद वाइट टिक, उसके बाद तब ग्रेट टिक मिलता है, तो इसमें 1 महीने का टाइम लग जाता है गाइस, ठीक है, उस तरह से करने में। लेकिन यहाँ पे आपको 7 डेज में ही आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। तो ये सभी रूल्स थे इसके गाइस, जैसे कि आपको ग्रेट टिक वेरिफिकेशन बैच मिल सकता है, ठीक है। अब उसके लिए गाइस आपको न्यू अकाउंट बना लेना है, 5 वीडियो अपलोड कर देनी है, टिकी के कैमरे से वीडियो बनाना है, अच्छा वीडियो बना के अपलोड करना है। अब उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, जिस फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करने के बाद गाइज सही से आप सभी को उस फॉर्म को फिलअप करना है गाइज, ठीक है। और ये फॉर्म वो लोग भी सबमिट कर सकते हैं जिन लोगों को लाइव ऑप्शन लेना है गाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको एक साथ मिल सकते हैं गाइज, लाइव ऑप्शन भी, ग्रेट टिक का वेरिफिकेशन बैच भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो लाइव ऑप्शन के लिए जो है आपको एक इंट्रो वीडियो बनाना होता है, जो कि इंट्रो वीडियो आपको कैसे बनाना है, तो
ओरिजिनल टीम की एजेंसी का नाम का आपको एक इंट्रो वीडियो बनाना है गाइस, ठीक है। तो आपको लाइव ऑप्शन चाहिए तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको लाइव ऑप्शन भी चाहिए तो वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो पे आइएगा और डिस्क्रिप्शन में जो हमने ये लिंक दे रखा है ये दोनों लोग भर सकते हैं, जिनको लाइव ऑप्शन चाहिए जिनको ग्रेट टिक चाहिए, ठीक है गाइस। तो आप अपने अकाउंट पर ये दोनों ऑप्शन इनेबल करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इसी फॉर्म को सबमिट करने गाइस, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उस वीडियो में क्या करना है और किस तरह का आपको इंट्रो वीडियो बनाना है गाइस, ठीक है। चलिए अब हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे सबमिट करना है जिससे कि आप कोई मिस्टेक ना कर पाए और आपके भी अकाउंट पे डायरेक्ट यहाँ पे भी वेरिफिकेशन दे दिया जाए। तो गाइस जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको हेडलाइन देखने को मिलेगा, आपको सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा ग्रेवी वेरिफिकेशन फॉर इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर के लिए है जिनके मिनिमम इंस्टा पे 10 के फॉलोअर्स हैं, उससे ज्यादा भी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदर पे आपके 100 के फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम छुड़ा के, तब पर भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो और अपने अकाउंट पे डायरेक्ट ग्रेवी वेरिफिकेशन लगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टिकी प्रोफाइल सेट करें, अपना प्रोफाइल को आपको सेट करना है। नहीं सेट करने आता तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, उसमें बताया हमने कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 वीडियो अपलोड करना है, टिकी के कैमरे से बोला गया है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एजेंसी नेम देखने को मिल रहा है ओरिजिनल टीम गाइस, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट नंबर में फिलअप करना है फॉर्म में योर टिकी यूजर नेम, आपको अपने टिकी आईडी का यूजर नेम यहाँ पे डालना है गाइस। तो उसके लिए आपको अपना टिकी ऐप पे जाना होगा गाइस। तो चलिए हम चलते हैं अपना टिकी एप्लीकेशन ओपन करते हैं गाइस और आपको डायरेक्ट सही से भर के बताते हैं इस फॉर्म को गाइस, ठीक है। तो ये हमने अपना अकाउंट ओपन कर लिया गाइस, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट करें अपने भाई का भर के दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने भाई का यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया है और इसका यूजर नेम, ये आपका यूजर नेम होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपना कॉपी करना गाइज, हम यहाँ पे इसका कॉपी करते हैं, इस पर थोड़ी देर दबाए रखोगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा यूजर नेम गाइज। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट कट करके आना है और यहाँ पे इसे पेस्ट में दबा देना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पेस्ट। उसके बाद गाइज पूछ रहा है योर टिकी प्रोफाइल लिंक, तो आपको अपने टिकी प्रोफाइल का लिंक देना है गाइज, ठीक है। तो इस पर तो पहले से ही ग्रेट टिक है गाइज इस अकाउंट पर, हम एग्जाम्पल के लिए बस आपको सबमिट करके बता रहे गाइज। इसी तरह से आपको सेम टू सेम फॉर्म को सबमिट करना है, कोई मिस्टेक नहीं करने गाइज, ठीक है। टिकी प्रोफाइल लिंक में दबा के रखेंगे गाइज और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे टिकी प्रोफाइल लिंक भी हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है गाइज, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट कीजिए, मोज जोश एम एस टकाटक झिल्ली यूट्यूब शॉर्ट्स पर है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, या फिर अदर पर है तो अदर को सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम, जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम पे हमारे ज्यादा फॉलोअर्स है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड ही नीचे में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यदि आपके इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स है तो इंस्टाग्राम वाला सेलेक्ट करना गाइस, ठीक है। यदि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है तो यदि आपके दूसरे एप्लीकेशन पे इंस्टाग्राम को छोड़कर 100 के प्लस फॉलोअर्स है गाइस तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना गाइस, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना और यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करना गाइस। यहाँ पे इंस्टाग्राम को सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करेंगे गाइस, ठीक है। आप किसी अदर एप्लीकेशन को चूज करते हो तो यहाँ पे भी अदर ऐप को ही आपको चूज करना है गाइस, ठीक है। तो हमने इंस्टाग्राम को सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे भी इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक देना है, अपने ऊपर में क्या सेलेक्ट किया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम पे कम फॉलोअर्स है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके ज्यादा फॉलोअर्स है, फिर भी आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल लिंक यहाँ पे देना है। तो चलिए हम अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक लेकर आते हैं गाइस, ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक निकाला जाता है गाइस। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इस अकाउंट का हम प्रोफाइल लिंक देने वाले हैं गाइस, ठीक है। ये हमारे भाई का अकाउंट है तो यहाँ पे हम कॉपी प्रोफाइल लिंक करेंगे गाइस और इस तरह से आपको अपने अकाउंट का कॉपी प्रोफाइल लिंक कर लेना है। यदि आपसे अपना प्रोफाइल लिंक नहीं निकल रहा तो आप अपने फ्रेंड से बोलिए, आपके अकाउंट पर जाएगा और इस तरह से 3 डॉट पर क्लिक करेगा और उसके नीचे में यहाँ पे कॉपी प्रोफाइल URL का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा आपका फ्रेंड तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आप उस लिंक को अपने फ्रेंड से मांग लीजिएगा तो वो आपका प्रोफाइल लिंक हो जाएगा इंस्टाग्राम का गाइस, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्म में सबमिट कर दीजिएगा, यहाँ पे दबाए रखेंगे उसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अदर ऐप प्रोफाइल लिंक, यदि आपके अदर एप्लीकेशन पे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम को छोड़कर तो उसका लिंक यहाँ पे देना है गाइस। साथ में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक देना है और उसका भी लिंक देना है, और जिनके इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा फॉलोअर है तो उनको अदर एप्लीकेशन का यहाँ पे लिंक देने की कोई जरूरत नहीं गाइस, वो इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जिनका इंस्टाग्राम पे छोड़कर दूसरे एप्लीकेशन पे ज्यादा फॉलोअर्स है तो उनको यहाँ पे उसका भी प्रोफाइल लिंक देना है, ठीक है। अदर ऐप का प्रोफाइल लिंक यहाँ पे उनको सबमिट करना है गाइस, तो आप सभी सबमिट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे लाइव ऑप्शन लेने के लिए, ठीक है, ये लाइव ऑप्शन वालों के लिए, इसे आप छोड़ भी सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट ग्रे टिक लेना है, सिर्फ लाइव ऑप्शन नहीं लेना है, तो आप इस तीनों ऑप्शन को छोड़ सकते हो। ये लाइव ऑप्शन के लिए है, पैन कार्ड नंबर और एज, ठीक है गाइस।
तो आप यहाँ पे भर देना, ये आप सभी भर सकते हो। यदि आपको लाइव ऑप्शन लेना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर तक सभी को फिलअप करना है गाइज, तभी फॉर्म सबमिट हो पाएगा। उसके बाद गाइज ये लाइव ऑप्शन के लिए, जिनको लाइव ऑप्शन चाहिए तो वो लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिस वीडियो को हमने बताया। उसके बाद गाइज यहाँ पे इंट्रो वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको दे देना है, और उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर देना है। आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य का पैन कार्ड यूज कर सकते हो और उसका नंबर यहाँ पे डाल देना गाइज। उसके बाद आपको अपना एज यहाँ पे लिख देना है कि आप कितने वर्ष के हुए हैं अभी। उसके बाद गाइज यहाँ पे फॉर्म में सबमिट पे क्लिक करना है। करने के बाद आप एक बार फॉर्म को चेक करना कि आपने फॉर्म सही भरा या फिर नहीं भरा, ठीक है गाइज। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा गाइज ऊपर में हेडलाइन और नीचे में लिखा होगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब कि गाइज आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यदि आप दूसरा फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे कर सकते हो, यदि आपने फॉर्म गलती भर दिया तो, ठीक है। फिर से आप इस फॉर्म को भर सकते हो गाइज, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बस इस तरह से आप सभी इस फॉर्म को सबमिट कर दिए गाइज। उसके बाद 7 डेज का आप वेट करना है, उसके बाद गाइज आपके अकाउंट पर डायरेक्ट ग्रेवी वेरिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन गाइज देने से पहले टिकी टीम आपके अकाउंट को चेक करेगी, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक करेगी, आपके टिकी आईडी को भी चेक करेगी। उसके बाद वो चेक करने के बाद यदि लगेगा कि हाँ ये यूजर सही है, इसको ग्रे टिक देना चाहिए, ये क्रिएटर आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकता है, तो वो लोग जरूर आपके अकाउंट पर ग्रेवी वेरिफिकेशन इनेबल करेंगे गाइज, और उसके बाद आप अपने अकाउंट से अर्निंग करना शुरू करेंगे। बस फ्रेंड्स ये जो टिकी का अपडेट है काफी अच्छा है गाइज, तो आप सभी जरूर इसे अप्लाई करें और अपने अकाउंट पर डायरेक्ट ग्रेवी वेरिफिकेशन ले गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं गाइज, और हाँ आपका कोई डाउट है सवाल तो नीचे कमेंट करें गाइज। चलिए मैं अपनी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।